हाय, दिस इज रजनी भारती। वेलकम टू माय चैनल एबीसी ट्यूब टीवी। आज मैं आपको एबेकस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दूंगी। एबेकस की हेल्प से बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी कुछ सेकंड्स में की जा सकती है। एबेकस से सिर्फ मैथ सब्जेक्ट में ही पकड़ अच्छी नहीं होती, बल्कि इससे बच्चों का कंसंट्रेशन, एनालिटिकल स्किल, मेमोरी पावर, ग्रास्पिंग पावर भी मजबूत होती है। एक टोटली ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। एबेकस के टूल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्लासिकल एबेकस, जिसको चाइनीज एबेकस भी कहते हैं, जिसमें बॉटम में 5 बिट्स और टॉप में 2 बिट्स होते हैं। आधुनिक एबेकस, जिसको जैपनीज एबेकस भी बोलते हैं, इसमें 4 बिट्स बॉटम में जबकि 1 बिट टॉप में होता है। जैसा कि इस एबेकस में आप देख रहे हैं, एक आधुनिक एबेकस है। एबेकस में कैलकुलेशन करने से पहले हमें इसके पार्ट्स के बारे में पता होना जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक क्या है, एक स्टूडेंट एबेकस है। इसमें जो रेड कलर में जो आप देख रहे हैं, ये हमारी बीट्स कहलाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बीट्स बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, सेंटर बार। ये जो रॉड गई है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बार बोलते हैं। ये हमारी बीट्स किस पे, हमारी रॉड्स से अटैच्ड हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। एक क्या है हमारा, 17 रॉड का एबेकस है। वाइट कलर के जो पॉइंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें जो सबसे बीच में जो पॉइंट है, इसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं। और ये आउटलाइन है हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम। इसको फ्रेम बोलते हैं। जो सेंटर पॉइंट है, पॉइंट हमारा मिड पॉइंट कहलाता है। और जिस रॉड को हम क्या बोलेंगे, यूनिट रॉड। इसके नेक्स्ट वाली रॉड टेंस रॉड, 100 रॉड्स, 1000 रॉड, इस तरह हमारी रॉड्स की वैल्यू क्या होती है, हमारी बढ़ती जाती है। लोअर बीट्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है और अपर बीट्स की वैल्यू हमेशा 5 होती है। एबेकस के अंदर कैलकुलेशन करने से पहले 2 पॉइंट्स याद रखने होंगे। फर्स्ट, जब भी हम कोई कैलकुलेशन करें, हमेशा मिड पॉइंट से स्टार्ट करें। कैलकुलेशन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, मिड पॉइंट से। नेक्स्ट, न्यू कैलकुलेशन करने से पहले एबेकस हमेशा रीसेट होना चाहिए। इसका मतलब है, सेंटर बार पर वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए। जैसा कि ये हमारा, इस तरीके से अगर हमारा एबेकस है तो ये हमारा क्या है, सेट नहीं है। तो कैलकुलेशन हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले हम अपने 2 फिंगर का यूज़ करेंगे, थंब एंड इंडेक्स फिंगर, एंड सेंटर बार पे इसको स्लाइड करेंगे। ये हमारा एबेकस हमारा रीसेट हो गया है। अब हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी एबेकस में वैल्यू कैसे सेट करते हैं, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।